हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह सुबह अपने रूम के सामने का व्यू, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन आज करना है फ्लैट को शिफ्ट, तो हम लोग जो न्यू बिल्डिंग में जाएंगे, मैं आपको वहाँ अपने साथ लेके चलूँगी और वहाँ भी दिखाऊँगी कि उस बिल्डिंग से कैसा व्यू आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी ग्रीनरी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि कितना ज़्यादा ग्रीनरी हो रहा है और कितना ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और वहाँ पर पहुँच के दिखाएंगे कि हम लोग कौन से सोसाइटी में आए हैं और वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है, मैं वो दिखाऊंगी। तो वीडियो में आप बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद हमें जाना है अपनी खाला से मिलने के लिए भी। तो रेडी होकर मैं आपको जो है अपना लुक भी दिखाऊंगी और व्यू भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग के सामने पहुँच गए हैं। अब मैं अंदर चलती हूँ और पहले मैं दिखाऊंगी अपने आप को, फिर मैं दिखाऊंगी सामने का व्यू कि कैसा व्यू आया है। तो ये रही मैं, और मैंने बिल्कुल हल्का सा मेकअप करा हुआ है, ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं करा और बस ये जो है कैमरे में ज़्यादा आ रहा है। मैंने बस लिपस्टिक डार्क कर ली थी, बाकी जो है मैंने बहुत कम मेकअप करा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा है। और यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल एरिया भी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नीचे तो नहीं गई क्योंकि हम लोगों को निकलना था अपनी खाला से मिलने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको जो है अपने साथ लेकर चलती हूँ। मेरी खाला ने हम लोगों को लंच के लिए इनवाइट करा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। तो मैं जो है आपको फ़ौरन जल्दी से लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट होते हुए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ सनरूफ। अभी तो नहीं, लेकिन वापस आते टाइम हम लोग ज़रूर सनरूफ में चलेंगे, खड़े होंगे और आपके साथ वीडियो अपनी शेयर करेंगे कि हम लोगों को कितना मज़ा आया। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और इन्होंने हमारा वेलकम कर रही हैं। ये होटल में भी हम लोगों को चाय बनाकर सर्व करा इन्होंने हमारे लिए। ये है हानिया और ये मेरी खाला है, और ये है सिमरा मेरी बहन। और मैं आपको रूम का भी थोड़ा सा जो है दिखा देती हूँ कि जिस होटल के रूम में ये लोग रुके हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। और ये मेरे खालू हैं, तो मैंने अपने खालू से भी हाय करवा लिया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे खालू हाय कर रहे हैं आप सबसे। और ये मेरा भाई है जिसकी फ़्लाइट है आज कैनेडा की, तो ये कैनेडा जा रहा है। और यहाँ पर बन चुकी है हमारी चाय, तो अब हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और लंच के लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और इन लोगों ने भी लंच नहीं करा था, तो हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए बाहर। तो हम लोग कहाँ जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले हानिया यहाँ पर दिखाने लगी हैं आपकी बाथरूम देख लिए चल के, तो ये बाथरूम का टूर करवा रही हैं हमें। और ये आने वाले टाइम की लगता है बहुत बड़ी एक यूट्यूबर बनेंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इनको व्लॉगिंग का शौक हो रहा है। और ये मैं आपको रिसेप्शन की दिखा रही हूँ कि नीचे जो है जब हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप इसकी भी ले लेते हैं कि होटल के रिसेप्शन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे फ़िश टैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसकी फ़िशेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर इन्होंने इनका जो है रेस्टोरेंट भी इन्होंने इंडोर करके जो है बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर डेकोरेशन उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने डिनर के लिए, जो कि लंच प्लस डिनर है शायद। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं क्योंकि मेरी खालू ने सेलेक्ट करा था एक डेरीगंज रेस्टोरेंट यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ फाउंटेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 15 अगस्त की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है डेकोरेट हुआ था,
तो सबसे पहले मैं आपको विश कर देती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर हानिया जो है अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा शौक आ रहा था और इन्होंने भी जो है मेरी वीडियोस को बनाने में बहुत इन्जॉय करा। ये डेरीगंज हम लोग आए थे रेस्टोरेंट में, लेकिन इसमें वेटिंग बता रहा था और 30-40 मिनट्स की, लेकिन हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि मावी की जो है माविया जो मेरा भाई है उसकी फ़्लाइट थी, तो हम लोगों को वहाँ भी जाना था। तो लेकिन हम लोगों ने करीम्स फूड में से ही खाना खा लिया और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे और हमारा खाना आ रहा था। यहाँ पे ये भी जो है व्लॉग शूट कर रही थी अपना। तो उसके बाद आ गया था हमारा खाना और हम लोगों ने जो है अपना डिनर इन्जॉय करा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, जितना ये टेस्टी लग रहा है खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर सिमरा भी अपना स्नैप बनाते हुए, वीडियो मैंने इनकी भी ले ली है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, मतलब पहले खाना खाया उसके बाद फ़ोटोज़ क्लिक करी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि सब लोग जो है खाना खा रहे हैं और सबको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। खाने के साथ हम लोगों ने कोक पी थी और उसके बाद आप मावी को देख सकते हैं, इन्होंने अपनी 5 उंगली और यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं होटल के लिए वापस, क्योंकि वहाँ से हमने अपना जो है लगेज उठाना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ऊपर जो इंडिपेंडेंस डे के लिए जो है इन्होंने डेकोरेट करा है इतना प्यारा सा, मैं आपको वो दिखाती चलूँ। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारा जो है ये डेकोरेशन हो रही है। उसके बाद हम लोग होटल पर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मावी ने मुझे गिफ्ट किया है ये ट्राईपॉड। ये तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है प्रेजेंट टाइम में, इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच मावी। और मैं आपको मावी का एयरपोर्ट लुक भी दिखा देती हूँ, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एयरपोर्ट लुक जो है वेयर करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी भी हो रही थी सबको और बहुत इमोशनल मोमेंट भी, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो है ट्रॉली में सूटकेस लगेज वगैरह सब जो है रख लिया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सब लोग हो गए थे, तो मैं उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई। फिर मावी चला गया था और फिर हम लोगों को भी निकलना था क्योंकि जो मेरी दूसरी खालाएँ हैं उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट करा था। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो हम अपने दूसरे डिनर के लिए यहाँ पर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि जो है बाहर भी रोड पे भी बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई थी, ये फाउंटेन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखा दूँगी। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी खाला की तरफ और वहाँ पे हम लोग दोबारा डिनर करते हैं। फिर हम लोग आ चुके थे उनके घर और उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया हुआ था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने उसे भी बहुत अच्छे से इंजॉय करा और उसके बाद हम लोग ने बालकनी में बैठ के कस्टर्ड इंजॉय करा और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पी। और उसके बाद हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 2-2:30 हो गया था शायद रात का, तो हम लोगों को वापस निकलना भी था। बस फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें करी, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अब मेरा मन कर रहा था सनरूफ में जाने का, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ भी जाकर और आपके साथ जो है शेयर कर दूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने इन्जॉय करा, तो आप भी मेरे साथ इन्जॉय करिए। तो अब यहाँ पर मैं जाने लगी हूँ सनरूफ में खड़े होने के लिए बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने इंजॉय करा है, तो आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। और ऊपर से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बस मन कर रहा था कि मैं यहीं पे खड़ी रहूँ, लेकिन मैं इतनी देर यहाँ पे खड़ी हो नहीं सकती थी तो बस आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो आपको मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ आपको शेयर करना है। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें
और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो देखनी है वो कमेंट में बताएं, और हर वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करा करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अल्लाह हाफिज़।